परिचय दे दीजिए, जानकारी में आपको पर यहाँ पे कुछ लोग दरवाजे पे लात मारे या आपको धमकी उमकी भी दिए इस बारे जी में। जी 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 मैं चंद्रशेखर मालवीय, जिला विद्यालय निरीक्षक राय बरेली। कल रात में 9:44 पर कतिपय अराजक तत्वों ने, गुंडों ने, मेरे आवास पर आकर के दरवाजे पर प्रहार किया और लगातार धमकियां देते रहे, दरवाज़ा खोलिए। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, इतनी रात को तो मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि खोलिए तो अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और अभी आपको पता चल जाएगा अंजाम कि क्या इसका होना है। और अनेक अपशब्दों का प्रयोग, जान से मारने की धमकी, ये सब देते रहे। ऐसी स्थिति में मैंने CO नगर से अनुरोध किया, डायल 112 पर बात की और 10-15 मिनट के भीतर पर्याप्त फोर्स आ गई मेरी सहायता के लिए और फिर वो लोग भाग गए। बाहर हमारे एक दो और अधिकारी निकल आए थे, PO डूडा साहब, मुनेन सिंह जी, बगल के JE तिवारी जी। इन लोगों ने बताया कि वो लोग एक ब्रेजा कार से आए थे, उसमें 6-7 लोग थे और एक दो लोग ऊपर आए हुए थे। किस मामले को लेकर आए थे, कुछ जानकारी में है क्या आपके? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विगत 2 वर्षों में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई और मेरी कार्य संस्कृति अपने ढंग की अलग है। मैं न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर का भाव रखता हूँ। मुझे ये लगता है कि एक मैनेजमेंट कॉलेज में अध्यक्ष का आंशिक चुनाव होना था, उसमें कुछ लोगों का इलीगल हितबद्ध था। प्रकरण को मैंने मार्गदर्शन के लिए जॉइंट डायरेक्टर लखनऊ को भेजा है। उसी बात को लेकर के लोगों की नाराज़गी और आतंक फैला करके, हमला करके अनुचित कार्य कराने की चेष्टा का यह प्रयास था। आज मैंने इसी प्रकरण में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से व्यक्तिगत मुलाकात की, उनको एक आवेदन पत्र दिया कि सर, यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, अतः मुझे सुरक्षा के लिए गार्ड दिए जाए। क्या कहा उन्होंने? जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करा करके और निश्चित रूप से जो वाजिब सुरक्षा है आपको उपलब्ध कराएंगे, समुचित सुरक्षा व्यवस्था आपको मिलेगी और किसी भी व्यक्ति को, किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या शासकीय व्यवस्था में व्यवधान नहीं उत्पन्न करने दिया जाएगा। शासकीय कार्य थे, उसी में मैं कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ और अभी मैंने आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है। कल रात में 21:44 पर मेरे सरकारी आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने, गुंडों ने मेरे गेट पर काफ़ी प्रहार किया, उसे तोड़ने की कोशिश की, धमकियाँ दी जान से मारने के लिए। और जब मैंने उनसे पीछा की तो उन्होंने कहा कि खोलिए तो अभी मैं आपको सुला देता, और बहुत सारी बातें कहें जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता। और इसी संदर्भ में आज मैंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और सुरक्षा की मांग की है। उनका आश्वासन है कि शासकीय कार्य में जो भी बाधा होगी उसको नियमों के परिधि में उनके द्वारा दूर किया जाएगा और उनकी सुरक्षा। किसी पर शंका है आपको? जहाँ तक मैं मानता हूँ, इस जनपद में 2 वर्ष हो गए हैं, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मन मानता हो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, एक विद्यालय का आंशिक चुनाव अध्यक्ष पद का होना था, मुझे ऐसी संभावना है, ऐसा संकेत भी है
कि ऐसे लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई को, अपने प्रतिष्ठा को लेकर के हानि पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं।